वक्त हमारे लिए ऐसे हालात और मौके तैयार कर देता है जिससे हम खुद उस रास्ते पर चलने लगते हैं जिसे कुदरत ने हमारे लिए बनाया है। ये बात है उस वक्त की जब भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। अंग्रेज सरकार ने अपने सारे अफसरों को शांतिपूर्वक यहां से जाने का हुक्म दिया, लेकिन उनमें कुछ अफसर ऐसे भी थे जो जाते जाते भारत की कई छोटी बड़ी रियासतों के खजानों को साथ ले जाना चाहते थे। इनमें सबसे कीमती खजाना था प्रतापगढ़ का, क्योंकि उस खजाने में थी नीलमणि, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू डायमंड। प्रतापगढ़ के राजा वीर सिंह को अंग्रेजों के नापाक इरादों की भनक लग चुकी थी। अचानक एक दिन खजाना नीलमणि के साथ रातों रात गायब हो गया। वक्त गुजरता गया, अंग्रेज चले गए, प्रतापगढ़ में भूत और नीलमणि के अजीब और गरीब किस्से फैलने लगे। अफवाहें कहानियां बन गईं, राजमहल खंडर बन गया। चारों तरफ जहां पहले शहर बसा था वहां अब घना जंगल उगाया। लोग उस प्रतापगढ़ जंगल के नाम से कांपते थे, घबराते थे। अक्सर वहां घोड़ों के टापों और हिनहिनाने की आवाजें गूंजती थी। इन सब बातों से बेखबर 11 साल का राघव शहर में अपनी जिंदगी मस्ती से गुजार रहा था। आए तुमसे कि अपनी सारी चीजें संभाल के रखा करो। Go pick up your bag and keep it in your room now. रुको, पहले अपना रिजल्ट मुझे दिखाओ। मॉम, आपने पैकिंग कर दी? I am asking about your result, राघव। Come on, give me your result fast. राघव, ये लड़का भी ना? तू तो गया बेटा। ओ गॉड राघव, ओनली 52%। तुमने तो कहा था कि तुमने सारे आंसर्स करेक्ट लिखे थे। मैंने तो सारे आंसर्स करेक्ट ही लिखे थे मॉम। ओ या, अगर सारे आंसर्स करेक्ट लिखे थे तो फिर ये क्या है? व्हाई ओनली 52%? दिस इज वेरी बैड आरवी। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे एग्जाम्स के लिए मैंने कितनी छुट्टियां ली थी? अरे क्या हुआ, कितने परसेंट है? लो खुद ही देख लो। Oh God, 52%। Last time से improvement है। You don't laugh. Last time कितने थे? 45 ना? This means it's an improvement of 7%. Ashu please, तुम तो बीच में बोलो ही मत। School तो तुम जाते नहीं हो, School तो मैं जाती हूँ। Teachers की सारी बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। और तो और, अभी थोड़ी देर में चिंटू की मम्मी आ जाएगी इसका रिजल्ट पूछने के लिए। उनको क्या जवाब दूंगी मैं? जब आती है अपने बेटे की तारीफ, दिव्या चिंटू 90% मार्क्स लेकर आया है, वाओ। अरे चिंटू की बात तो छोड़ो, वो सुहाना जो हमारे लाडले से बुक्स मांग मांग कर पढ़ती है, उसकी मम्मी आएगी और बोलेगी भाभी जी वो मीठा कर लीजिए, हमारी सुहाना 85% लेकर आई है। ये तो सोच सोच के टेंशन हो रहा है मुझे, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? चिल यार। अरे क्या चिल यार, इतने कम मार्क्स लेकर आया है ये, और जब मैंने इससे रिजल्ट मांगा तो पैकिंग की बात करने लग गया, और अब मुझसे पूछेगा मॉम मेरा वीडियो गेम रखा कि नहीं। अबे देती हूँ तुझे तेरा वीडियो गेम, अगर सब कुछ रखे बाहर नहीं फेंक दिया तो मैं भी तेरी मम्मी नहीं। ओए तुम तो यहाँ खड़ा हुआ रूम में, इग्लू रोमा तेरा इंतजार कर रहे हैं। रोमा, आई हेट इग्लू। हाँ, बड़ा ओवर स्मार्ट समझता है आपने आप। अरे है तो समझता है ना, देखा मेरी बात खत्म भी नहीं हुई। और ये, अरे दिव्या मुझे तुम्हारा ये फंडा नहीं समझ आता, तुम परसेंटेज के पीछे क्यों पड़ जाती हो? अरे सारे बच्चे जैसे नहीं होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चे 90% लाते हैं वही जिंदगी में सक्सेसफुल हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं वो जिंदगी में कुछ करना पाए। बस हाँ, तुम्हारी इन्हीं बातों ने बिगाड़ा है उसे आशु, पता नहीं आगे जाके क्या करेगा। क्या यार। तुम्हारा ये हेलो आवाज का स्टाइल मैंने पूरी स्कूल में फेमस कर दिया है। दैट्स ग्रेट आरवी। ए मोटू, वाओ बर्गर,
मम्मी ने मंगाया ना, मैं बोलता हूँ तो बोलती है आरवी तुम्हें बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, और तुम्हें बर्गर खिला रही है, और वैसे भी तुम लोगों की वजह से आज मुझे डांट खानी पड़ी। Why? तुम्हारे ग्रेड की वजह से। जब देखो तब एक ही बार, रुमा और इग्लू को तो हमेशा स्कूल में एक ग्रेड आते हैं, और आरवी तुम सी ग्रेड। ए मोटू डोंट लाफ ओके, तुम्हें तो सिर्फ हंसना और खाना आता है। एनीवेज रुमा, हाउ आर अंकल एंड आंटी? एज यूजुअल बिजी इन योर वर्क। ए दैट्स माय वीडियो गेम ना, चल दे मुझे। No, I'm playing. तू बिगाड़ देगा उसे। I know how to play F3 video game and one is of the latest version. F3 video games and one is of the latest version. तो लेकर क्यों नहीं आया? I'll tell auntie. जब बोलना। क्या हुआ? Roma, what happened? Nothing much, auntie. आरवी ने अपना video game इग्लू से ले लिया। आरवी, दो उसे। मैंने कहा दो उसे। नहीं। राघव, जब लास्ट ईयर तुम यूएस गए थे तब तुम भी इग्लू के सारे गेम्स खेलते थे ना, उसने कभी मना किया नहीं ना? रोमा और इग्लू ने कितना ध्यान रखा तुम्हारा, फिर भी ना? आरवी, दो से। रोमा, इग्लू, तुम लोग चलो, डिनर रेडी है, और आरवी तुम अपना यूनिफॉर्म चेंज करके आ जाओ। ऑलराइट। क्या लड़ाई चले थे तुम दोनों की? तेरे पापा दीपक और मैं एग्जैक्टली इस तरह लड़ते थे, फिर वक्त गुजरता गया, हमारी दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि पूरे गांव में मशहूर हो गई। तुम गांव जा रहे हो ना, दादी से पूछना, वो देंगे हमारे बारे में। चावल लोगे? हाँ यार। नंकू, चावल लेके आना प्लीज। अरे रोमा, क्या हुआ? लेने दो ना उसे। आंटी जस्ट लुक। इट्स ओके, यू कैन हैव मोर। मैडम राइस। थैंक यू नंकू। अच्छा, आप लोग आज रात को जल्दी सो जाना, ओके? व्हाई? अरे भाई, कल सुबह फ्लाइट पकड़नी सुरनपुर के लिए। कम ऑन गाइस। ओके डैड, ओके। यस। देख राघव, रोमा और इग्लू पहली बार इंडिया आए हैं, उन्हें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तू मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? हाँ। उन्हें एक मिनट के लिए भी अपने आप से अलग मत करना, ओके? ओके। और सुन, ज्यादा मस्ती मत करना, ओके? मुझे कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए। ओके मॉम। अरे इग्लू कहाँ है? अरे वो पॉटी में होगा, पॉटी मास्टर। बदमाश। ओ यार। दादी को परेशान मत करना, ओके? रोमा, यू आर द इंचार्ज, ही शुड नॉट ट्रैवल दादी, ऑलराइट? ओके। हे, बैग क्यों नहीं अंदर रखा? अरे इग्लू, अपना बैग पीछे रख दो बेटा। इग्लू। आंटी, ही ऑलवेज कैरीज हिज बैग अलोंग। इग्लू, इस बैग में है क्या? नथिंग। ओके, चलो, बाय। बाय। बाय आंटी। बाय। बाय बाय। बाय। टेक केयर। बाय आंटी। बाय। बाय। राघव, वो आई एम सॉरी मॉम, नेक्स्ट टाइम आई वोंट लेट यू डाउन, आई प्रॉमिस। आई लव यू मॉम। आई लव यू टू राघव। गो नाउ, गो। ओके बाय मॉम। बाय। दादी को परेशान मत करना, ओके? ओके। बाय बाय बेटा। अरे शर्मा जी, ये फ्लाइट वाला इतना देर का है हमारा आज? अरे हमें क्या पता, पांच बार पूछ के आ चुके हैं। अगर फ्लाइट और आधा घंटा लेट हुई ना तो प्रतापगढ़ का जंगल उजाले में पार नहीं होगा। अरे भैया, तब तो हो गया काम, अब कहाँ करें। शर्मा जी, लगता है आ गई। देखिए ना,
हाँ। तुम एक काम करो हाँ। जल्दी से गाड़ी निकालो, मैं बच्चों को लेकर आऊं। जल्दी जल्दी। हेलो राघव शर्मा अंकल, चलो गाड़ी आ गई। अंकल ये मेरी दोस्त रोमा और इग्लो। हेलो, चलो बेटा गाड़ी में बैठ के बातें करते हैं। ओके लो आ गई गाड़ी अपनी। चलो चलो चलो, ये लो बेटा देखो किसको बैग रखना है, रखवाते हैं। बाकी डिक्की खोलो। अंकल मैं हेल्प करूं? बेटा तुम रहने दो, मैं रख लूंगा। लो हाँ जल्दी कीजिए शर्मा जी। अच्छा निकलना है, बैठ गए बाबू जी। बाकी जल्दी चलो, लेकिन आराम से, बच्चे साथ में हैं। पहुंच गए डैड। शर्मा जी से बात करनी है। शर्मा जी डैड का फोन है। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ सर बच्चे पहुंच गए। हाँ सर, सर फ्लाइट लेट थी। सर बहुत प्यारे बच्चे हैं। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शर्मा जी है ना यहाँ पर। बाय सर, गाड़ी चला। हंग्री। क्या हुआ राघव बेटा? कुछ नहीं, रोमा को भूख लगी है। तो बेटा पहले बोलना था ना, अब ये तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ तो कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा। तुमने फ्लाइट में नहीं खाया? खाया तो फिर ये? आई एम इग्लू। मोटू तू तो ग्रेट है यार। इफ यू कॉल मी मोटू आई वोंट गिव दिस टू यू। सॉरी सॉरी। अब तो मैं तुम्हें जूस भी पिलाऊंगा। जूस? रियली? वाह। चलो भैया जल्दी से निकल जाए। मोटू। बाबूजी छुट गई गोली? गोली नहीं, तोप का गोला छुटा है गोला। What happened? Are you mad? Where will you go? I can't hold anymore. अरे तो टू मच है, अभी खाया और अभी निकालने की तैयारी में। क्या बात है बेटा इग्लू, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, इग्लू को पॉटी आई है। पॉटी? तो थोड़ा रोक लेते हैं। शर्मा जी गाड़ी कोनो हालत में नहीं रुकेगी। देख नहीं रहे प्रतापगढ़ का जंगल बस आने ही वाला है? अरे भाई बाके मैं उसको पॉटी रोकने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें गाड़ी रोकने के लिए नहीं कह रहा। अरे अंकल गाड़ी रोक दो वरना यही कर देगा। बेटा ये जंगल है, यहाँ पे शेर चीते घूमते रहते हैं, अब ये पॉटी करने के लिए नीचे उतरा, पता पड़ा शेर इसे ले गया तो है क्या होगा? ओके अंकल। हाँ थोड़ा देर बस संभाल लो, बस जंगल पार करते हैं बेटा, फिर आराम से पॉटी करना। जो मन है वो करते रहना फिर। कहा करें शर्मा जी, सूरज भी डूबने वाला है, अब तक प्रतापगढ़ का जंगल पूरा बाकी है। हाँ सात बजने वाले हैं, बाकी जल्दी चलो। बाकी गाड़ी ठीक से चलाओ। शर्मा जी अब हम कहाँ गाड़ी ठीक से चलाएंगे, अब तो बजरंगबली ही गाड़ी ठीक से चलवाएंगे। क्या हुआ अंकल? अरे कुछ ना हो तो अच्छा है बाबा जी। जय हनुमान ज्ञान सागर। बाके क्या कर रहे हो, बच्चे बैठे हुए। क्या हुआ बाके? शर्मा जी लगता है वो अपना काम चालू कर दिया। शर्मा जी टायर पंचर हो गया है? अरे बाबू आप बाहर मत जाइए, आप अंदर रहिए। शर्मा जी आप नीचे उतरिए, आप बाहर चलिए। मैं चलिए Oh.
कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट बेटा, तुम अंदर बैठो, शीशा ऊपर कर लो। ये जंगल है ना, जंगली जानवर होते हैं। ओके। जल्दी करो। सरबजी उच्चक वाला ही ना। ला रहा हूँ। बहुत सर निकट नहीं आवे महावीर जब नाच रहा है नाच रहा है सब पूरा जगत निरंतर हम पूरा संतुलन बन रहा है जैन बन जाना जैन जैन बन रहे रखो रखो चल बैठो तो नाच रहा है सब पूरा जगत निरंतर है मत मेरा बज गए। हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। बच्चे साथ हैं, ना शर्मा का फोन लग रहा है और ना ही राघव का। तुम ऐसा करो, बाकी को फोन लगाओ। 5 बार ट्राई कर चुका हूँ, तो भी नहीं लग रहा है। मालकिन, लगता है वो लोग आ गए। शुक्र है, बहुत फिक्र कर रही जी मालकिन। अरे अरे जीते रहो। नमस्ते। नमस्ते इग्लू बेटे, इतने लंबे हो गए, रोमा से भी ज्यादा। हाँ शर्मा जी। जी। अगर आप लेट हो रहे थे कम से कम हमें फोन तो कर दिया होता। जानते हैं कितना इंतजार कर रहे थे हम बच्चों का। अरे मैडम, आप यहाँ पर इंतजार कर रही थी और हम वहाँ एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। फ्लाइट 3 घंटा लेट थी, ऊपर से प्रतापगढ़ के जंगल में घुसते के साथ ही नेटवर्क चला गया और गाड़ी पंचर हो गई। स्वालक। अरे गाड़ी पंचर नहीं हुई। है? वो उसने पंचर किया। बांके मालकिन, का बताएं? वो तो साक्षात बजरंगबली का कृपा है कि हम सब बच के यहाँ चले आए, नहीं तो वो तो वहीं खा गया होता हम लोगों को। कौन बाके भैया? भूत। भूत? कैसी बातें कर रहे हो? राघव बेटे जल्दी से ऊपर अपने कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ। ओके। हम आप सबके खाने का इंतजाम करते हैं। चलो 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 चलो। मत मारी गई है क्या तुम्हारी? बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हो? दिला दिया ना गुस्सा, चल। मुझे बहुत डर लग रहा है। Scared? Why? तुम भी भूत में बिलीव करते हो ना? भूत भूत कुछ नहीं होता। You believe in ghosts and all? No, I don't. तो वो लोग क्यों डरे हुए थे? कौन डरा हुआ है? दादी, do you believe in ghosts and all? ओहो, आप लोग भी इस बेवकूफ बांके की बातों में आ गए। अरे वो तो सिर्फ इतना देखना चाहता था कि भूत का नाम लेके वो शहर के बच्चों को डरा सकता है या नहीं। लेकिन दादी माँ, I have read in comics और मैंने movies में भी देखा है। दादी माँ, आपने कभी भूत को देखा है? जब भूत होता ही नहीं है तो हम कहाँ से देखेंगे? अच्छा दादी माँ, मैंने फोन पे आपसे कुछ बोला था। साइकिल्स? मंगवा दी हैं, और वो भी एक नहीं बल्कि 3-3 साइकिल्स मंगवाई हैं। सच? हाँ? कहाँ है दादी माँ? नीचे गैराज में है, जोगी से कह दूंगी कल सुबह आप सबको मिल जाएंगे। थैंक यू दादी माँ। थैंक यू दादी माँ। लव यू। आई लव यू टू बेटे। चलो अब सब सो जाओ। गुड नाइट। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट दादी माँ। गुड नाइट बेटे। देखा, आई वाज राइट। भूत भूत कुछ नहीं होता। भूत होता या नहीं वो तो कल सुबह पता लग जाएगा। कैसे? मेरा दोस्त है ना, वो सब जानता है। दोस्त? हु? ए अली नाम है मेरा। अबे कद्दू, तू रोकेगा? नहीं जाऊंगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तू ज्यादा मुंह लगेगा ना तो तुझे उठा के पटक दूंगा। मुझे
पूजा भटकेगा। अबे जा कद्दू, बड़ा है ना इसीलिए छोड़ रहा हूँ। हवेली में है ना इसीलिए इतनी बात कर रहा है। गाँव में आ तेरे को बता दू आना। अच्छा तो तू नहीं जाएगा? बोला ना एक बार मुझे राघव से मिलने का है। समझ में नहीं आता क्या? वो तुझसे नहीं मिलेगा। ए! तमीज से बात कर। मालिक है वो तेरा, तुझे मालूम नहीं राघव मेरा पुराना दोस्त है। अरे तू जाता है कि नहीं? मालकिन आ गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। छोड़ो उसे। Who's he? He's Ali. Come on. क्यों बे कद्दू, अक्कल ठिकाने आई या नहीं? अब देखिए ना छोटे बाबू, मालकिन ने मना किया हुआ है और वो भी मंदिर से वापस आने वाली हैं। अगर उन्होंने इसे यहाँ पर देख लिया तो। जोगी आप अंदर जाओ। कैसा है अली? ठीक हूँ। अरे यार तेरे से मिलने को आया था तो वो बोलता है राघव तुझसे नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ आऊँ और तुझसे ना मिलूँ? ये कौन है बे? यह है रोमा और यह इग्लू। अबे गेंडा कितना मोटा है, खाता क्या है बे? और ये किशमिश? किशमिश? ये लोग विदेश से आए हैं। गोरा सब के गांव वाले? गोरा सब? ये कौन है? है एक बंदर, जब से वो यहाँ आया है ना सारा गांव उससे परेशान है। वो भी इस मोटे जैसा दिखता है। Look at the kind of friend he has. Dirty fellow. ए मोटे, हिंदी बोलने नहीं आती? वैसे भी ये लोग आए क्यों हैं यहाँ? ये लोग हॉलीडे में आए हैं। हॉलीडे में छुट्टी मनाने? वो भी गांव में? क्यों बे बंदर, गांव में छुट्टी मनाएगा? What did he say? अबे मोटे, बंदर बोला, अमेरिकन मंकी। डर्टी बॉय, दैट्स व्हाई डोंट लाइक इंडिया। इंडियंस को भी ना अमेरिकन मंकी पसंद नहीं है। हाँ, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गो टू डिज्नीलैंड। हे ग्लू, वेट, कम बैक। गुस्सा हो गया। अरे तू बात ही ऐसी करता है, चल सॉरी बोल। ए सॉरी, राघव के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। हाँ अरे सॉरी बोला ना यार। अरे ग्लू, अली बहुत अच्छा लड़का है। हाउ कैन यू से अच्छा लड़का है, देखो कैसे बात करता है। अरे अब से नहीं करूंगा, बस बोले तो मुर्गा बनू। कुकड़ू को कुकड़ू को हो गया कि और बोलू। ए मुर्गे चल उठ। छोटे बाबू क्या है? जरा आइए ना। चलिए हम आपको एक ऐसी चीज दिखाते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, ये देखिए। वो साइकिल्स, ये आपको मिल सकती है, लेकिन पहले उसको यहाँ से भगाइए आप। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप ठंडा ठंडा जूस लेके आइए। अरे जूस तो हम अभी गए और अभी लेकर आए हैं। ठीक है। चल। मैं कहाँ बैठूंगा? अभी इस पे चढ़ जा, गांव में जाके कैरे लगवा लेंगे। चल चल मोटे चल। पैर के ऑपरेशन का क्या हुआ? अब वो शहर लेके जाने वाले। तुझे बहुत दर्द होता होगा ना? छोड़ ना, अब तो आदत पड़ गई है। You're really brave. क्या चकमा दिया यार? किसको? जोगी को। कद्दू है। अली, तुझसे एक बात पूछनी है। बोल। ये भूत का चक्कर क्या है यार? तुझे भी पता चल गया? हाँ, कल जब हम आ रहे थे और जैसे हमारी गाड़ी जंगल के करीब पहुंची तो घोड़ों की आवाज आने लगी और हमारी गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया जंगल में। हाँ,
यहाँ गाड़ी का टायर पंचर हुआ और वहाँ बाकी की हवा निकल गई। शर्मा अंकल भी डर गए थे। फिर क्या हुआ? तभी जंगल से एक अजीब सा आदमी दौड़ता हुआ आया और हमारा दरवाजा जोर से पीटने लगा और बाकी ने गाड़ी बहुत जोर से भगाई। तूने उसको देखा? किसे? भूत को। भूत? I don't believe it. ये भूत घोस्ट कुछ नहीं होता। अली, तूने कभी भूत को देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन गांव में बहुत बातें होती है भूतों के बारे में। जब से अंग्रेजी बंदर यहाँ आया है। हे, तुझे नहीं बोल रहा हूँ। Then why did you see अंग्रेजी बंदर? अगर तू उसे देखेगा ना, तू भी यही कहेगा। गाँव के लोग उसे गोरा सांप कहते हैं। वो यहाँ क्यों आया है? पता नहीं, लेकिन सब बोलते हैं कोई खजाना ढूंढने आया है। सारे गाँव वालों की जमीन छीन रहा है। Why? बोलता है जमीन के अंदर कोई खजाना है। ओह, तो तुमने भी भूत को नहीं देखा? अबे, किसी ने नहीं देखा तो मैं कैसे देखूंगा। See, I was right. मुझे भी लगता है कि भूत कुछ नहीं होता, लेकिन ये गाँव वाले डरते क्यों हैं? पता है क्या क्या बोलते हैं? बोलते है भूत के लंबे लंबे हाथ होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं। ये भूत खाता क्या होगा? बर्गर। रियली? एक लाइक्स बर्गर। फिर तो इसका बर्गर के साथ खाएगा। ये मेरा गांव है और ये गांव का बाजार। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल चाचा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हूं। ये लोग कौन हैं? ये मेरे दोस्त हैं, अमेरिका से हैं। अमेरिका? अरे वाह, ये तो विलायती लगते हैं। चाचा, ये लोग विलायती नहीं है, हिंदुस्तानी है। अरे भाई, हम ना तो मुल्क सरहद को मानते हैं, ना जात धर्म को। ये तो सब छोटे लोगों का काम है। अरे यार, हम तो इंसान फिर शुरू हो गए। हम अली को मानते हैं, तुम बजरंग बली को मानते हो। ये जात धर्म ये सब इंसानों ने बनाया भाई। चाचा, नई साइकिल है, जल्दी कैरियर लगा दो। लगा देता हूँ भाई, लगा देता हूँ। चाचा, कितने पैसे होंगे? अरे जो दिल में आए दे देना बेटा। वैसे भी इसके पीछे तो अली ही बैठेगा, है ना? हाँ चाचा। अरे लेकिन ये इसमें नहीं लगेगा बेटा। इसमें लगा दूँ? हाँ चाचा, इस पर लगा दो। अच्छा, मेरे अब्बू को ले गए। लेकिन वो तेरे अब्बू को क्यों ले गए? मैंने बोला ना, उनको हमारी जमीन चाहिए और अब्बू बेचना नहीं चाहते। मत रो बेटा। उन्होंने पहले भी मेरे अब्बू को ले जाकर बहुत मारा था और अब भी। अली, तू टेंशन मत ले, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस ही कुछ करती तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। कई बार थाने में शिकायत दर्ज की पर नतीजा कुछ नहीं निकला। क्या करें, हमारे ही कुछ आदमी उसके चमचे हैं। अली बेटा, चल तेरी अम्मी को खबर भी देनी, चल। अली देख, तू टेंशन मत ले, तू घर पे जाके मुझे फोन कर, मैं दादी से बात करता हूँ, ठीक है? चल। साइन कैसे करेगा तू? करेगा तू? क्या नाम कैसे करेगा? कैसे बोलेगा तू? साइन साइन करेगा तू? और बचा बचा, जब तक तू साइन करेगा तब बचा तू ना। साइन करेगा और मार, रुको मत, चल ना, मारो और मारो इसको, कर साइन कर। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। You fool! छोड़ दो साहब, छोड़ दो, छोड़ दो इसे। Do you know who I am? The Great Gorbachev. जो मेरे को जानता है वो चुपचाप साइन करता है। सुना तुमने? साइन करेगा या नहीं? नहीं करूंगा,
नहीं करूंगा। अगर जमीन तुझे दे दी तो हम अपने बच्चों का पालन कहां से करेंगे? अलीगी अलीगी पढ़ाई कहां से करेंगे? मोटा मुझे लेकिन 10 सेकंड नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। फिनिश्ड। You fool. रफीक बेटा, दस्तखत कर दे बेटा, दस्तखत कर दे। चाचा, अली की पढ़ाई का क्या होगा? उसका इलाज कैसे करेंगे? अपने पेट का पालन कहाँ से करेंगे? जान बचेगी तो पेट भी पल जाएगा बेटा। दस्तखत कर दे, सब मैं इससे दस्तखत कराऊंगा। ठीक है चाचा, मैं कराऊंगा साहब, मैं कराऊंगा। Caught. Very caught. हमने आपको कहा था ना, कहीं भी अकेले मत जाना, फिर भी आप गए। और वो अली कितना बिगड़ा हुआ है, फिर भी आप उससे मिले। दादी, उसने प्रॉमिस किया है कि वो कभी गाली नहीं देगा, है ना इग्लू? हाँ दादी माँ। दादी, आप अली के अबू को छुड़ा दो ना। राघव बेटे, गांव में आए दिन ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन राघव, गांव के मामलों में हम नहीं पढ़ना चाहते, और अगर अली के अबू को कोई शिकायत है तो उन्हें पुलिस के पास या कानून के पास जाना चाहिए। अब्दुल चाचा तो कहते हैं कि पुलिस को सब पता है, फिर भी वो कुछ नहीं करते, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन दादी माँ, अगर वो लोग उनकी जमीन ले लेंगे तो फिर वो लोग कमाएंगे कैसे? ये सोचना उनका काम है जिनकी जमीन है, आपका नहीं। एक बात बताएं मालकिन, गोरा साहब फोकट में जमीन नहीं ले रहा है, जमीन के पैसे भी दे रहा है और खुदाई की मजदूरी भी। हाँ हम जानते हैं जोगी, और इसीलिए गांव के मामलों में हम नहीं पढ़ते हैं। राघव, आपको भी अली से दूर ही रहना चाहिए। आप यहाँ छुट्टियां मनाने आए हो बेटे, खेलो कूदो खाओ घूमो फिरो, आप इन फालतू की बातों में क्यों पढ़ते हो? और जोगी, आपसे कहा था ना बच्चे कहीं भी अकेले नहीं जाएंगे। अगर दोबारा ये गलती हुई तो समझ लीजिए आपकी नौकरी गई। सबने खाना खा लिया तो हम आप सबके लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे। आपकी तो नौकरी गई जोगी जी। Dear grandfather, I will fulfill your dream. Gajraj. Yes, Gora sahab. Tumko malum hai ki main Gabriel Gomes idhar Pratapgarh mein Fultuya se क्या कर रहा हूं? सर, आप यहां पे छुपे हुए खजाने की तलाश करने आए हैं। You fool! तो फिर अब तक उस खजाना को क्यों नहीं मिला? इतने दिनों से प्रतापगढ़ के जंगल के आसपास के सारे फार्म्स को खोद डाले, मगर कुछ नहीं मिला। गोरा साहब, मगर गांव वाले तो कहते हैं कि यहां इस तरह का कोई खजाना है ही नहीं। है, बिल्कुल है। मेरे ग्रैंडफादर की डायरी में सब लिखा है। कर्नल जॉर्ज गोम्स, माय ग्रैंडफादर, ब्रिटिश आर्मी के ब्रेव ऑफिसर, इधर प्रतापगढ़ में थे। He told me, यहां दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू डायमंड छुपा है, नील मणि। लेकिन यहां के राजा वीर प्रताप सिंह ने नील मणि और उसके साथ एक बहुत बड़ा ट्रेजर को एक ऐसी जगह छुपाया जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। बहुत कोशिशों के बाद मेरे ग्रैंडफादर को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा।
लेकिन गैब्रियल गोम्स खाली हाथ नहीं लौटेगा। जिस दिन वो ब्लू डायमंड और खजाना हमको मिलेगा, that day I will be the richest man in the world. I promise you. और तुम लोगों को भी मालामाल कर देगा। Yes, Gora Sahab! Zindabad! 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 Gora Sahab! Zindabad! Gora Sahab! Zindabad! तो फिर जाओ और इस छुपे हुए कुएं की तलाश करो, क्योंकि प्रतापगढ़ जंगल के नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। Go now! हेलो हेलो राघव। हाँ बोल अली। अब्बू अभी तक नहीं लौटे, अम्मी बहुत रो रही है। क्या करूं राघव, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू कुछ कर राघव, कुछ कर यार। तू टेंशन मत ले, सुबह उठकर हम कुछ करते हैं। और सुन, तेरी अम्मी का ध्यान रखना, तू टेंशन मत ले, ओके बाय। Now what? Now we have to find out कि वो लोग अली के अबू को कहाँ ले गए, है ना? गोरा साहब के आदमी है, तो जरूर उसी के वहाँ ले गए होंगे। But दादी माँ told us not to go out. अभी वो जाएंगी, फिर चलेंगे। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो? Be positive, Roma. ये देख, क्या है? Pen है। Touch करके देखना। तू तो ग्रेट है यार। शॉकिंग पेन, मेरे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो खूब झटके देंगी। गुड, अभी सो जाते, अगर दादी माँ जग गए ना तो पूरा प्लान चौप आउट हो जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। साइकिल वहां छुपा देते। चल धीरे धीरे। तुम लोग इधर का ध्यान रखना, understood? चल हट। Idiot. Smart man. ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये भी है? पता नहीं, मुझे दे। चुप कर चलना होगा, अगर एक भी पकड़ा गया ना तो समझो गए काम से। अभी अंदर जाने का रास्ता किधर है? खिड़की है ऊपर। But it's too high. पिरामिड बनाते हैं। निकलू, चढ़ मेरे पर। नहीं, मैं आता हूँ। ये लंगड़ू गिरा ना तो दूसरा पैर भी जाएगा। अबे हट, अभी आना। ये मोटा गेंडे जैसा है, बड़ा भारी है यार। रोमा तुम इधर उधर देखो। ओके
क्या हुआ मोटे? What happened? I can't see anything. अंदर बहुत डार्क है. नीचे आ. Come down. सामने से चलते हैं. उस टकले के हाथ में बंदूक है. तो क्या हुआ? जो होगा देखा जाएगा. चलो यार. मुझे लगता है सभी को यही लगता होगा. जो उसकी बात नहीं मानता होगा ना, वो उसको जंगल में भूत के पास छोड़ देता होगा. कहीं वो सबको जंगल में तो नहीं ले गया? मेरे अब्बू दरदा. कहीं भी सांस डर देता है यार. अगला इसके पीछे चलते हैं. चलो चलो चलो. दरवाजा कैसे खुलेगा? मुझे नहीं पता. One minute. I have a plan. Fingerprints are on 0, 9, 4, and 2, 2, 4, 9, 0. 2, 4, 9, 0. 4, 0, 2, 9. 4, 9, 2, 0. Yes. तू genius है यार. समथिंग नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है. यहाँ कुछ नहीं है. चलो अब्बू को ढूंढते हैं. अरे रुक. नक्शा भी है. चलो चलो. ए, कौन है तुम लोग?
से शुरू होता हूँ, जहाँ पे खत्म होता हूँ, जहाँ और राम में आकर डंडा लग जाए तो गजराज सिंह होता हूँ। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? रुकर, क्या हुआ? प्रतापगढ़ का जंगल। लेकिन गोरा साहब की वो डरी तो उनके पास है। हाँ 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 हाँ। लेकिन अंदर जंगल में भूत है, अगर हम अंदर गए तो सबके सब मारे जाएंगे। वो डायरी नहीं मिली तो गोरा साहब हमें ऐसे ही मार डालेगा। हाँ, चलो। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और अंधेरा होने के बाद जो भी आज तक इस जंगल में गया है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया है। लेकिन वो डायरी, डायरी भी मिल जाएगी। ऐसा करते हैं, सुबह तक हम जंगल के बाहर इंतजार करते हैं और सुबह होने पर हम जंगल में जाएंगे और डायरी लेकर आएंगे। इतनी आसानी से ले आएंगे? देखा ना बच्चे कितने शैतान हैं, कैसे साइकिल चला रहे थे, कैसे भाग रहे थे। लेकिन बच्चे बचेंगे तब ना। अरे ये तो हम लोग जंगल में आ गए। अंधेरा हो गया यार। कुछ नहीं होता। Thank you.
पर लंबे लंबे हाथ। ऐसा गांव में सब बोलते हैं। डर गए। मालूम था मुझे कि एक ना एक दिन कोई तो आएगा। आखिर तुम लगाए गए। सालों से इंतजार था तुम्हारा। अब मेरी तमन्ना पूरी होगी। तुम हमें खाओगे ना? ये बैग मुझे दे दो। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। झूठ। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। मुझे सब मालूम है। क्या? उस बैग में नक्शा है। है ना? नक्शा मुझे दो। लेकिन वो तो गोरा सब का है। हाँ, और अगर उसे वो नहीं मिला तो वो मेरे अब्बू को मार डालेगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। इसी की तलाश थी मुझे। ये नहीं दूंगा। मुझे मेरे अब्बू को बचाना है। क्या कर सकते हैं? तुम तो भूत हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। और तुम्हें हमारी क्या जरूरत? ये तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। जो काम मैं नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो। मगर ठहरो। प्लीज लेट अस गो। मेरी मर्जी के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझसे डरो मत बच्चों। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम चले गए तो तुम अली के अब्बू को कभी नहीं छोड़ा पाओगे। प्रतापगढ़ के लोगों के ऊपर जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। मैं यहां के लोगों को उनकी अमानत लौटाना चाहता हूं। उन्हें उनका हक दिलाना चाहता हूं। हक? कैसा हक? वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरी मदद करोगे। अब अली के अब्बू को छुड़ाने में हमारी मदद करोगे ना? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो वो अपने आप छुट जाएंगे। कैसे? अगर तुमने खजाना ढूंढ लिया तो प्रतापगढ़ की जनता की अमानत उन्हें मिल जाएगी। सिर्फ अली के अब्बू ही नहीं, बाकी सभी किसान भी गोरा साहब के कैद से आजाद हो जाएंगे। प्रतापगढ़ फिर से खुशहाल हो जाएगा। पर आप हो कौन? भानु प्रताप सिंह। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम भूत हो। हाँ, अब मैं भूत हूँ, लेकिन उस वक्त मैं प्रतापगढ़ का सेनापति था। तो फिर तुम भूत कैसे बने? क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, इसीलिए। प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? नीलमणि और प्रतापगढ़ के खजाने की सुरक्षा की प्रतिज्ञा। नीलमणि? हाँ, नीलमणि जो कोहिनूर की तरह बेशकीमती है। कोहिनूर का नाम सुना है तुम लोगों ने? हाँ, सुना भी है और पढ़ा भी है। क्या सुना है? यही कि वो दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा है, जिसे अंग्रेज इंडिया से लंदन ले गए। बिल्कुल सही। वो तो नीलमणि को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन राजा वीर सिंह की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। राजा वीर सिंह प्रतापगढ़ के राजा थे। तो क्या सचमुच यहाँ खजाना है? हाँ,
बहुत साल पहले की बात है, जब अंग्रेज भारत से वापस जा रहे थे तब अंग्रेजी फौज में कई अफसर ऐसे भी थे जो जाते जाते हमारे देश के खजाने को लूट कर ले जाना चाहते थे। उस वक्त प्रतापगढ़ के इलाके में एक अंग्रेजी अफसर था, कर्नल गोम्स, जो नीलमणि के खजाने को लूट कर ले जाना चाहता था, और इसलिए उसने प्रतापगढ़ पर हमला कर दिया। गोम्स और उसके साथियों ने प्रतापगढ़ पर हमला कर दिया। दुश्मन के सैनिक बंदूकों से गोली चला रहे थे, राजमहल के सैनिक भी उन पर जवाबी हमला कर रहे थे। दोनों ओर से गोला बारूद दागा जा रहा था। राजा साहब और मैं अपने सैनिकों के साथ बड़े जोश के साथ अंग्रेजी फौज से टक्कर ले रहे थे, तभी एक गोली राजा साहब को लगी। मैं राजा साहब को महल के अंदर ले गया, वो काफी घायल हो चुके थे। भानु प्रताप सिंह, हुकुम। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। हुकुम, आप चिंता मत करिए, हमारे बहादुर सिपाही अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की आजादी का जश्न हम जल्द ही साथ मनाएंगे। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, ये लो, इस नक्शे में नीलमणि तक पहुंचने का रास्ता है। नीलमणि का खजाना जनता की धरोहर है, उनकी भलाई के लिए है। मुझे वचन दो तुम इसकी रक्षा करोगे। हुकुम, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने कर्तव्य को अपनी जान देकर भी निभाऊंगा और नीलमणि की रक्षा करूंगा। अंग्रेजी फौज के सिपाही हमारे सिपाहियों को हरा कर आगे बढ़ रहे थे। नक्शे की रक्षा के लिए मैं अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गया, लेकिन वो अंग्रेज अफसर मुझे देख चुका था, उसने मेरा पीछा किया। मैं पूरी हिम्मत से उससे लड़ता रहा और प्रतापगढ़ के इसी जंगल में उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया। उस अंग्रेज ने मुझसे नक्शा छीनने की कोशिश की, जिससे वो दो हिस्सों में पड़ गया। के साथ मैं अपने घोड़े समेत खाई में गिर गया और तब से मैं आधे नक्शे के साथ इस जंगल में घूम रहा हूं कि कोई ना कोई नेक दिल इंसान आएगा और मेरे इस अधूरे काम को पूरा करेगा, जिससे मुझे मुक्ति मिलेगी। घोस्ट अंकल, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्या कहा तुमने? घोस्ट अंकल। फिर से कहो। घोस्ट अंकल। प्रतापगढ़ के सेनापति भानु प्रताप सिंह से मैं घोस्ट अंकल बन गया। अब तुम्हें ही नीलमणि के खजाने को ढूंढना है। लेकिन हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? वो मैं बताऊंगा। तो आप क्यों नहीं ढूंढ लेते? ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं। ये काम सिर्फ कोई एक इंसान कर सकता है, और वो भी एक बहादुर, समझदार, बस अच्छा इंसान। और तुम बच्चों में ये सब गुण है। अंकल कितने अच्छे हैं। जनता की भलाई के लिए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, और बिना सेल्फिश हुए इतनी बहादुरी से अच्छाई के लिए बुराई से लड़े। अंकल, मैं आपके साथ हूँ। हमली, आई एम इन टू। तुम बच्चे सचमुच बहुत अच्छे हो। व्हाट? घोस्ट अंकल, उल्लू जब भी कहीं जाता है ना, वहां से कुछ ना कुछ उठाकर वापस आता है। अगर इसने नीलमणि का खजाना चुराया तो? घोस्ट अंकल, ये गाली देता है। अबे मोटे कद्दू, अभी गाली दिया क्या? देखा घोस्ट अंकल, देखा। कल सुबह सूरज निकलने के बाद तुम लोग मेरे साथ चलोगे। Now what happened?
I'm feeling hungry. इग्लू ये जंगल है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। मिलेगा? हाँ, क्या खाओगे? I want pizza and burger. वो क्या होता है? इग्लू, he doesn't know what is pizza. अंकल के जमाने में पिज़्ज़ास नहीं हुआ करते थे। अंकल, कुछ भी खिला दो। अच्छा खाना खिलाऊंगा। जो खाना है खाओ। लड्डू ले, ये ले। और खाओ बच्चों। सोना है तुम्हें? पर जंगल में सोने को कहाँ मिलेगा? ऐसी नींद आएगी कि पूछो मत। गोस्ट अंकल, गोस्ट अंकल, मैं आपसे एक बात बोलूं? आप है ना बहुत अच्छे गोस्ट हो। क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? रात हो गई और दादी हमें ढूंढ रही होगी। रात तो हो गई, दादी माँ ढूंढ तो रही होगी। हेलो कमिश्नर साहब, हम गायत्री देवी बोल रहे हैं। वो बच्चे अभी तक नहीं मिले कमिश्नर साहब। हमने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर ली है, सारा गांव ढूंढ लिया हमने। कमिश्नर साहब, वो गांव के बाहर आखिर कहाँ जा सकते हैं? जी हाँ, आपके इंस्पेक्टर यहीं खड़े हैं हमारे साथ, लेकिन मुझे लगता है आप ही को कुछ करना पड़ेगा। कुछ कीजिए प्लीज, हमें बहुत फिक्र हो रही है बच्चों की। जी धन्यवाद। कमिश्नर साहब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और पुलिस फोर्स भेज रहे हैं आपकी मदद के लिए। जल्द से जल्द हमारे बच्चे मिल जाने चाहिए इंस्पेक्टर। गजराज भाई, ये लोग तो ये आया, नहीं दूंगा तो क्या करेगा? मारेगा, मारेगा। मारूंगा। मेरे एक बटा दो, तुम लोग को बैग चाहिए? ले, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
अबे हकले, जुबान से तो तू स्लो मोशन है, हाथ पैरों से तो फास्ट कर। पकड़ना, अबे हकलू, बचपन में उड़ती चिड़िया को पकड़ा अपुन, अभी देख कैसा पकड़ता है। हकलू कौन किसे भाई? हकलू याद आ गई मुझे नानी, अपने घर कोई शैतानी, अरे कोई तो पिला दे मुझे पानी। मैं बोलने लग गया, अरे मैं बोलने लग गया। गिर गया, पकड़ लू। एक बार आ जा, आ जा, आ जा। पहले ऊपर नीचे, फिर आगे पीछे, क्यों जान खाना पकड़ में। आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। आगे नहीं जा रहा है। पकड़ लूंगा, अब पकड़ लूंगा, अब की बार पकड़ लूंगा। हट, मैं पकड़ता हूं। पकड़ ले, पकड़ ले।
चलो उतरो बच्चों। ये प्रतापगढ़ का राज्य चिन्ह है। नक्शे में इस चिन्ह के द्वारा तुम्हें खजाने की तरफ आगे बढ़ने के सुराग मिलेंगे। एक जगह तुम्हें महाराजा वीर सिंह का राज्य चिन्ह मिलेगा, जिसे हासिल करके तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम उसे बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि वही खजाने की चाबी है। दो तिलस्मी रास्ते तुम्हें पार करने होंगे। तिलस्मी? हाँ, जादुई माया जाल, तुम्हें उसे पार करना होगा। ये लो, नक्शे पर प्रतापगढ़ का राज्य चिन्ह है, जो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हैं? मैंने कहा ना तुमसे कि मैं भूत हूँ। ये काम सिर्फ एक नेक दिल, सच्चा और बहादुर इंसान ही कर सकता है। अगर मैं कर सकता तो मैं तुम्हें क्यों पूछता। अब तुम सब मिशन के लिए तैयार हो जाओ। ये कुआं तुम्हें उस माया जाल तक ले जाएगा। जैसे ही खजाना तुम्हें मिलेगा, मैं उस जगह आ जाऊंगा। हे, आर यू क्रेजी? हम इस कुएं में कैसे जाएंगे? सॉरी गाइस, आई कांट गो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर की आंखों में आंखें डालकर देखो, वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। Give me a scarf. लगता है कुएं में उतरते वक्त उधर ही रह गया। I have a handkerchief. You got a spray? आइए आइए गोरा साहब, आइए आइए। सो टेल मी हकला। मैं तो टकला हूं। हकले बोलना। शट अप। तुमने बोला चूला इधर है, बोला था? किधर है झूला? इधर ही था ना। कल इडियट।
one of my more intelligent men. बच्चों ने तुम लोगों को यही मारा? यस गुरु साहब। सर मुझे तो लगता है बच्चे भूत हैं। You fool! You believe in ghosts, huh? अरे मुझसे बड़ा कोई भूत नहीं है इधर। ढूंढा उसे। वो बच्चे जरूर इधर कहीं होंगे। I want my diary and my map. Go find Dundo! Jaldi! कहाँ चिप गए बच्चे? You imbeciles! Where are the children? Kither here! If you don't find those children now, I will skin you alive! Go, find them! They must be somewhere here, look! There! Search! Find them! Ah! Don't take it! कहाँ चला गया यार हगलो? सर सर बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बच्चे कहाँ गए हैं? Useless moron! To your grandfather, I found the way. Iska matlab, kazane tak jaane ka rasta. Yeah, yeah. प्रॉब्लम हो गई तो? प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है रोमा, और कोई जाने का रास्ता भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है अगर इस पंजे पर मैं हाथ रख दूंगा तो शायद। ले अल्लाह का नाम और रख दे राघव। व्हाट हैपेंड? कुछ करण जैसा चक्कर। हमें इधर से ही जाना होगा। मैं जाता हूँ। यहाँ से? हाँ। मैं फंस गया तो? यार वैसे भी तो फंसे हुए ही है। चल मैं जाता हूँ। Igloo, come on!
नहीं, क्या है? मेरा बैग फंस जाएगा। पास है बैग इग्लू। ओके। इग्लू आ जा। राजेचन को हासिल करना होगा। बी केयरफुल इग्लू। कलर स्प्रे दे। गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर इसी वेट की कोई चीज यहाँ रख दे तो। But how to know the exact weight? It's a metal. It's copper. W is equal to m into g, and weight is equal to mass into gravity, and gravity is uniform all over the earth. रूमा, we're somewhere under the surface of the earth. I think
That doesn't matter much. अरे रोमा, ये साइंस की बातें छोड़ो और मेरी बात सुनो। गांव में तो हम सारी चीजें अंदाजे से लेते हैं और वजन सही निकलता है। मेरे हिसाब से इसका वजन 5-6 पके हुए आम जितना होगा। What? अरे सही कह रहा हूँ। पर 5-6 पके हुए आम का वजन कितना होगा? इग्लू, तेरा बैग दे। Why? दे ना। अभी ये सही है, ये ले। पक्का? हाँ पक्का, इसे उठा और इसे रख दे। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? आरवी, God is great, put it. चिप्स। डर की आंखों में आंखें डालकर देख, वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा।
डर की आंखों में आंखें डाल कर देख, वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। डर की आंखों में आंखें डाल कर देख। Well done, kids. Well done. Bando in Sanko. Bando in Sanko. No, no, dear boy. This is mine. Ye mera hai, sirf mera. Tum logo ne mera kaam aasan kiya hai.
अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। भानु प्रताप सिंह, वही भानु प्रताप सिंह जिसे मेरे ग्रैंडफादर कर्नल गोम्स ने कई साल पहले, हाँ वही भानु प्रताप सिंह, प्रतापगढ़ रियासत का वफादार सेनापति। ये खजाना प्रतापगढ़ के लोगों का है, जिसे तेरा ग्रैंडफादर गोम्स नहीं ले जा सका तो तू क्या ले जाएगा? मैं ले जाऊंगा अपना ग्रैंडफादर का सपना, मैं पूरा करूंगा। और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। Oh!
curses! थैंक यू गोस्ट अंकल। किस बात के लिए? आपने हमें ताकत दी। ताकत तो तुम में पहले से ही थी, तुम्हें पता नहीं था। सच? हाँ, अच्छे काम के लिए जब भी कोई लड़ता है ताकत अपने आप आ जाती है। और अब आप लोग मुझसे वादा करो कि आप लोग हमेशा इसी तरह बुराई के खिलाफ लड़ोगे, हमेशा अच्छाई और सच्चाई का साथ दोगे। वादा करो, दोगे ना? हाँ अंकल। अब बताओ आप लोगों को क्या चाहिए? घोस्ट अंकल, आप अली का पैर ठीक कर दो ना। आगे बढ़ो अली, आगे बढ़ो। चल अली। अली वो अली, come on अली, चल अली, do it अली, अली come on अली, come on, very good, come on very good, come on अली, come on अली, you can do it. थैंक यू गोस्ट अंकल। बस अब मुझे जाना होगा, अलविदा। अलविदा से दुखी मत हो, फिर मिलने के लिए बिछड़ना जरूरी होता है, चाहे दिन बीते या साल। जो दोस्त होते हैं वो फिर जरूर मिलते हैं। वीरान पड़े हुए दूसरे खंडरों की तरह है, लेकिन इस खंडर में पाया गया है करोड़ों नहीं अरबों का खजाना, और इस खजाने को ढूंढा है चार मासूम। इग्लू, रोमा, तुम लोग सब ठीक हो ना? मेरा बच्चा, अली, अबू, अली, अबू, तू ठीक है ना बच्चा? कमिश्नर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। मैडम, ये तो हमारा फर्ज था, लेकिन इन बहादुर बच्चों ने हमारा बहुत साथ दिया। थैंक यू सर। तुम लोगों ने जो खजाना हासिल किया है उसकी वजह से 10% सरकार की तरफ से इनाम भी मिलेगा। मैं तो सरकार से ये सिफारिश करूंगा कि तुम लोगों को ब्रेवरी अवार्ड भी मिले। दिव्या, सुन लिया? ऐसे कामों के लिए परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत पड़ती है तो हिम्मत की। यो सर, आपके बच्चे ने इतना बड़ा ट्रेजर डिस्कवर किया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर प्राउड ऑफ आवर सन। आप दूसरे पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल देना चाहूंगी। मैं दूसरे पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, और ये जरूरी नहीं कि जो बच्चे 90% मार्क्स लेकर आते हैं वही जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। जैसे मेरा बेटा राघव, आज मेरे बेटे ने वो काम किया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। चिल्लाओ तो सर मैं रुका।
सॉरी बिना सेल्फी छुए इतनी सॉरी सर बी केयरफुल इग्लू मास इज इक्वल्स टू वेट सॉरी वेट इज इक्वल्स टू मास तू तो मास मार रहा है अली अली किधर है यार मेरा राघव किस साइड है चलो बचा चलो बचा सिर खा रहे क्या हुआ देखा गोस्ट अंकल देखा